नमुना का चंडाल भाटा के समीप न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्नि हादसे के मामले में पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर के बाद अब अस्पताल के एक डायरेक्टर संतोष सोनी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में फरार अस्पताल के अन्य तीन डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। दमोनाका चंडाल भाटा के समीप दो दिन पहले न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुई भीषण अग्नि हादसे में 8 लोगों की जान चली गई थी। हादसे में 5 लोग जख्मी भी हुए थे। हादसे के बाद विजयनगर थाने में अस्पताल के 4 डायरेक्टरों और अस्पताल मैनेजर के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या और अन्य धाराओं का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस प्रकरण में अस्पताल मैनेजर राम सोनी की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल के डायरेक्टर संतोष सोनी को भी उमरिया से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रकरण में डॉक्टर निशेंद गुप्ता, सुरेश पटेल और डॉक्टर संजय पटेल फरार हैं। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल का कहना है कि प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस टीमों की दबिश जारी है। अगर आरोपी फरार रहे तो उनके विरुद्ध इनाम की घोषणा भी की जाएगी। इसमें अभी आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें रवाना है और अगर ये शीघ्र गिरफ्तार नहीं होते तो इनके खिलाफ जो है इनाम उद्घोषणा की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। सर, इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये बाहर से गई थी, टीम किया हुआ बाहर से किया। इनका क्या नाम? संतोष सोनी। सर, इनको इनाम घोषित भी किया जाएगा ये? हाँ, अगर ये नहीं आते हैं तो पुलिस अधीक्षक महोदय से इस पर इनाम घोषित करवाया जाएगा। इधर इतने बड़े अग्नि हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन के डायरेक्टरों का फरार हो जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि आम नागरिक से मामूली अपराध होने पर पुलिस गिरफ्तारी का दबाव बनाने परिजनों तक को नहीं छोड़ती, लेकिन इतने गंभीर मामले में पुलिस का ठोस कार्रवाई न करना चर्चा का विषय बना हुआ है।